सांसद की मौजूदगी में निशुल्क गोल्डन कार्ड का वितरण। पूरे देश में 45 लाख से ऊपर लोगों को इसका लाभ धनबाद जिला में 10,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। धीरे धीरे व्यवस्था बन रही है और 37 अस्पताल धनबाद जिला में आयुष्मान भारत से संलग्न हुए हैं। 37 अस्पतालों में आयुष्मान भारत के कार्यकर्ताओं को निःशुल्क इलाज होना प्रारंभ हुआ है। एक अजीब उत्साह यह जो माननीय प्रधानमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना है जो हम गरीबों को निःशुल्क इलाज करवाने और सबसे बड़ी चिंता गरीबों की भी है, खाने की चिंता नहीं है, खाना में कहीं से व्यवस्था हो जाता है। लेकिन जब बीमार होता था लोग और लाखों रुपये खर्च होते थे तो उसके पास कोई सहारा नहीं था। बहुत से लोग का अगर जमीन रहा जमीन भी मकान रहा तो मकान में गिरवी रख दिए थे, घर में कोई जेवर जेवरात है तो उसको भी बेच देते थे, इलाज में खर्च हो जाता। लेकिन अब इस योजना के प्रारंभ होने से यह गरीबों की चिंता समाप्त हुई। व्यवस्था को सरकार खड़ी करी और निजी क्षेत्र में भी लोग आगे बढ़ रहे हैं कि आयुष्मान अस्पताल हो गए और वहाँ पर आयुष्मान भारत से जुड़कर गरीबों की सेवा करें, उनका चिकित्सा करें। अब मुझे लगता है जब 2022 में जो आज 37 की संख्या है, हर एक 3-4 पंचायत पर भी जरूर है अस्पताल दिखाई देंगे और अपने घर के पास जाकर जिसमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत नहीं लगे, दूसरे जगह रहने के लिए उनकी आवश्यकता नहीं पड़े और इस योजना को उस जगह तक उस गाँव तक पहुँचाने का प्रयास हो रहा है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों, इसका फायदा उठाएँ, उसके लिए आज का कार्यक्रम जो भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रथम जब पूरे देश में